लाई छोरा तो पोता था ताऊ का और ताऊ वो मिश्रा जी मारे कमाल के मिश्रा जी पोते से घना ही लाड करे अब लाड भी कुछ तगड़ा ही हो अब ताऊ का छोरा जो ताऊ बेचारा कभी कहीं गया ही ना था घर में ही रह गया अब वो घर में ही रह गया बेचारा कभी ज्यादा मेहनत का काम भी ना करा वाले बस अपने ऐसे ही अब फौज में भेज दिया हूँ फौज में तो सवेरी 4 बजे ही जगा दे सही एकदम 4 बजे यार भागो फौज में बस लगा दे लाइन में भागो अभी ताऊ का छोरा घना ही परेशान और ताऊ के छोरे की दुर्गति हो गई और छोरा परेशान और ताऊ कह रहा वहां से वो कह रहा चिट्ठी लिख रही ताऊ को अगले दिन आई मुझे बाबा ओ बाबा मुझको ले जाए यार यहाँ तक बाबा जो था बेचारा कह लगा मुझे जी चिट्ठी ताऊ नेगा दूसरे के द्वारा पढ़वाई कह लगा छोरा परेशान दिखे फौज में अब उन बातों को 15-20 दिन गुजर गए 15-20 दिन में हमारा 5-7 चिट्ठी लगातार भेजती ताऊ द्वारा अब चिट्ठी जब चली गई ताऊ के द्वारे तो ताऊ ने सोची अब तो जाना ही पड़ेगा मिलना पड़ेगा ताऊ ने सोची फौज में मेहनत ज्यादा करवाना 4 बजे ही जगा दे उनने सोचा ताऊ ने तो छोरा के लिए देसी घी ले अब उनने दूध के डब्बे में 10 किलो घी भरवा लिया और घी लेके चल दिया ताऊ छोरा से मिलने पोता से उसके बाद में घी लेके चल दिया रेल में चल दिया रेल में भैया भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है ताऊ का सफर टप्पा नू था हर जगह ना मिली और नू हो रहा ताऊ को चाहिए एक तो भैया परे बोले मारा पड़ोस किलो मिले ताऊ है डब्बा टेकने की जगह ना मिली जब ताऊ को डब्बा टेकने की जगह ना मिली तो ताऊ का ध्यान का एक मन चैन सी लटक रही थी अब ताऊ ने अक्करी ना धक्करी में सारा डब्बा चैन पे लटका दिया और जैसे ही चैन पर डब्बा लटका दिया अब रेल तो थोड़ी सी देर में निकल के पाँव रेल रुक गई अब बहुत देर में जब उन्हें ना पाया कर टीटिया भगा भगा डब्बा किसका है अब वो ताऊ बेचारा करा रुका भैया हो मेरे यार हो जी जी हाँ मेरे यार बाहर से कुत्ता गा के काम आ चुके मगर डब्बा किसका है क्या मेरे यार डब्बा तो हमारा ही है पर तू बता दे काम आ चुके क्या है डब्बे में क्या है डब्बे में अरे मेरे यार यार कुछ भी ना मेरे यार यार तो देसी घी है अब ताऊ जी कहने लगा टीटी ताऊ जी का ताऊ जी तुम्हें पता है इस डब्बे की वजह से रेल रुकी अब ताऊ जी कहने लगा वहां से टीटी से कहा भैया आओ मेरे यार टीटी ठीक है यार हमने नू तो सुनाया देसी घी में जानो पर हमें नू ना पता सुखा रेल भी रोक दे